वेलकम टू स्टोनो डिक्टेशन। जो इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। वैसे तो सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर गांधी परिवार को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG सुरक्षा हटाने के केंद्र के फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है। इस फैसले के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का दावा है कि खुद SPG ने पिछले 2 साल में 3 बार राहुल गांधी से पत्राचार कर उनको देश के अंदर व बाहर खतरा बताया था। उनका यह भी दावा है कि पत्राचार में यह खतरा इस्लामिक उग्रवादी संगठनों, नक्सलवादियों व अन्य उग्रवादियों से होने की बात कही गई थी। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया कि आतंक व हिंसा के खिलाफ कदम उठाने वाले 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सरकार बदले की भावना के चरम पर पहुंच गई है। हालांकि सरकार यह बता रही है कि SPG सुरक्षा हटाने का फैसला सभी सुरक्षा एजेंसियों से मिले इस इनपुट के आधार पर किया गया है और गांधी परिवार पर किसी तरह का खतरा नहीं है। ऐसे में यह माना जाना चाहिए कि उसने गांधी परिवार की सुरक्षा कम करने का फैसला भी मेरिट के आधार पर किया होगा। सुरक्षा घटाने व बढ़ाने का फैसला सरकार को मेरिट के आधार पर ही करना चाहिए, वह इसलिए भी ताकि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का किसी को मौका ही न मिले। कुछ समय पहले ही सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की SPG सुरक्षा भी हटा ली थी। SPG का गठन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वर्ष 1988 में कानून बनाकर किया गया था। पहले प्रधानमंत्री को ही यह सुरक्षा मिलती थी, लेकिन पूर्व PM राजीव गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री के अलावा पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिजनों को भी यह सुरक्षा दी जाने लगी थी, बशर्ते जब सरकार को लगे कि उनको कोई बड़ा खतरा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पिछले 5 साल में गांधी परिवार को 30 से ज़्यादा यात्राओं का ब्यौरा SPG के साथ सही तरीके से शेयर नहीं किया जा रहा था। यह बात और है कि SPG को इस दौरान कोई अप्रिय घटना की जानकारी भी नहीं मिली। निश्चित रूप से सरकार के इस फैसले के भी राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे। कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाओं से यह जाहिर भी हो गया है, ऐसे फैसले VVIP कल्चर कम करने वाले
जरूर हो सकते हैं, लेकिन इन नेताओं के आरोपों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार को लगता है कि वैकल्पिक उपाय पर्याप्त हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा बंदोबस्त कम करने के फैसले के साथ साथ उसे उन सभी नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी जिनका सुरक्षा घेरा या तो कम किया गया है या फिर ख़त्म ही कर दिया गया। स्टॉप। डिटेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस मैटर का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।